योग करने से हम अपने शरीर के सभी प्रकार के रोगों को मिटा सकते हैं, बशर्ते कि आपका उसमें श्रद्धा जगे, निष्ठा होनी चाहिए। जब तक निष्ठा नहीं होगी, आपका ध्यान मन नहीं लगेगा, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम हर व्यक्ति को 5 मिनट 4 मिनट ध्यान करना चाहिए आंख बंद करके, और आत्मचिंतन मनन करना चाहिए कि हम जैसे रात्रि को सोते समय आप लेट गए, आंख बंद कर लिया, और सुबह से लेकर के सोते समय आपके द्वारा यदि कोई काम किया गया है गलत या बढ़िया, तो उस पर चिंतन करिए कि हे प्रभु, सीधे बैठ जाइए, सांस भरते रहिए, कि हम आज जोर जोर से चिल्लाए हैं, किसी को गाली दिए हैं, किसी माँ बहन को देख करके गलत नियत में हमारी हुई है, आज के बाद ऐसा है प्रभु ना हो मेरे जीवन में। और जो हम कर्म कर चुके हैं उसका तो फल मिलेगा आपको, कितनों आप माथा पटकिए कहीं बजा करके, बचने वाले हम नहीं। एक बार यदि कोई कर्म हो गया, चाहे सत्कर्म हो चाहे कुकर्म हो, आपको उसको फल प्राप्त करना ही पड़ेगा, नहीं जबरदस्ती मिलेगा आपको। इसलिए सजग होना है जब कर्म करते हैं, हम लोग जब फल भोगते हैं तब रोते हैं, नहीं कि हे बुझाता कि भगवान में है ये नहीं के नतिया, हम देखा ना हम कितना बढ़िया रहे हैं। कभी भी बिना लाइन के टच हुए लाइन मारेगा कभी ना? किसी को यदि लाइन मारा है तो या तो तार आपने सटा या आप जाके तार में सटे, बिना सटे हुए बिजली मारेगा करेंट? यदि कोई दुख भोग रहा है तो कहीं ना कहीं कुकर्म किया है, चाहे वो मानसिक रूप से किया हो, चाहे सामाजिक कुव्यवस्थाओं के कारण वो फल भोग रहा है, तो भाई सीधे बैठ जाइए, पाप भी करना है, पाप है। अब हम लोग 2-3 चीजों को समझेंगे कि कल जो हम कुकर्म किए हैं, हर आदमी के माध्यम से धीरे धीरे दूर होगा, एकाएक नहीं दूर होगा। कल जो हमारे द्वारा गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को आज योग करने के बाद हम टास्क देकर के जा रहे हैं आपको, आज से दिन और रात का, कल सुबह तक का, कि कल जब हम लोग सुबह यहाँ योग क्लास में मिले तो आपको लगना चाहिए कि मेरे विचारों में परिवर्तन हो रहा है, मेरे उठने बैठने सोने जगने के तरीकों में बदलाव हो रहा है, मेरे बोलने के तरीके में बदलाव, मेरे खान पान के तरीके में बदलाव। यदि खैनी खाते हो तो आपको लगना चाहिए कि खैनी नहीं खाना चाहिए, बुरा चीज है। यदि आप दारू शराब पीते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि ये बुरा चीज है, ये कुकर्म है, हमको ये नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपका सांप छूट जाएगा बुरे चीजों का। तो आइए सीधे बैठ जाइए और हम वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए इस प्रकार से, ऐसे घुटना के बल बैठेंगे, पीछे चूतर को एड़ी पे रख देंगे, इसका नाम है वज्रासन। भोजन करने के बाद यही एक आसन है पूरे दुनिया में जो भोजन करने के बाद किया जाता है, इसका नाम है वज्रासन। पैर को गिरा दीजिए, एड़ी को खड़ा नहीं रखना, एड़ी को इससे फैला दीजिए, फैलाइए कटौत की तरह, बहुत अच्छा, उसी पर बैठ गए, दोनों ठेवना तटा लीजिए आपस में। इस आसन का क्या नाम हुआ?